नमस्कार जय तु भारत जीएसटी एंड अदर लॉस डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 83 के अंतर्गत किसी भी टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है अभी जो सेक्शन 83 है उसके अनुसार जब सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 थ्री या 74 की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो यहां पर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो यह वर्ड इंपॉर्टेंट है सेक्शन 62 नॉन फाइलर्स के असेसमेंट का है जो एस एस रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उनके असेसमेंट का है सेक्शन 63 अनरजिस्टर्ड पर्सन के असेसमेंट का है सेक्शन 64 समरी असेसमेंट का है सेक्शन 67 इन्वेस्टिगेशन एंड सर्च से रिलेटेड है सेक्शन 73 और 74 डिमांड और एडजुडिकेशन से रिलेटेड है जब भी इन सेक्शन के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो और उस समय कमिश्नर को यह लगता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच करना आवश्यक है तब वह राइटिंग में ऑर्डर इश्यू करके इस प्रकार की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है इस प्रॉपर्टी में बैंक अकाउंट भी इंक्लूडेड है सेक्शन टू के अनुसार इस प्रकार का जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वह है एक साल के बाद निरस्त हो जाएगा उस प्रोविजनल अटैचमेंट की समय अवधि एक वर्ष की दर्शाई गई है यहां पर जो पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स मैंने वर्ड इसलिए जोर दिया क्योंकि इन वर्ड्स के ऊपर ऑनरेबल हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है एक केस के अंदर एक टैक्स पेयर के वहां सर्च करने के बाद डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि उस टैक्स पेयर ने फेक इनवॉइसिस के बेसिस पर क्रेडिट ली है और क्रेडिट पास ऑन की है उस केस में उसके बैंक अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच कर दिया गया था वह टैक्स पेयर ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास गया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सेक्शन 83 की इंटरप्रिटेशन करते हुए यह कहा था कि सेक्शन 67 के अंदर जो सर्च की प्रोसीडिंग्स है वह तो उस टैक्स पेयर के वहां कंप्लीट हो चुकी उसके बाद तो कोई सर्च कंटिन्यू है नहीं जबकि वर्डिंग्स है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स तो जब सर्च की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई तो उस सेक्शन के अंतर्गत ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स क्योंकि प्रोसीडिंग सब पेंडिंग नहीं है सेक्शन 67 की तो इसलिए बैंक अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बैंक अकाउंट रिलीज करने का आदेश दे दिया हालांकि डिपार्टमेंट इस आदेश के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए यह कहा है कि ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट का यह आदेश अन्य केस में लागू नहीं पड़ेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वह सेक्शन 83 के जो वर्डिंग्स यूज़ किए गए हैं, उसके अनुसार एकदम सही ऑर्डर था अभी बजट 2021 के दौरान जो फाइनेंस बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें सेक्शन 83 के अंदर भी सेक्शन 1 को अमेंड करने का प्रस्ताव है इस प्रस्ताव के अनुसार आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग वर्डिंग्स चेंज किए जा रहे हैं जहां पर पहले जो वर्डिंग्स थे ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स उसके बदले आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद में कभी भी प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है पहले जो कुछ सेक्शंस लिखे थे उसके बदले में चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। चैप्टर 12 पूरा असेसमेंट से रिलेटेड है चैप्टर 14 सर्च सीजर इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट से रिलेटेड है तथा चैप्टर 15 डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड है इन चैप्टर के अंतर्गत एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद में कभी भी कमिश्नर्स को यह ओपिनियन होता है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट करना आवश्यक है तो वह टैक्सेबल पर्सन की प्रॉपर्टी या सेक्शन 122 के सब के सबसेक्शन वन ए में दर्शाए गए व्यक्ति की प्रॉपर्टी यह सब सेक्शन वन ए यह बताता है कि जिस पर्सन को बेनिफिट मिला है टैक्स इवेजन का या फ्रोडुलेंट आईटीसी पास ऑन करने का तो उस व्यक्ति की भी प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच किया जा सकता है तो इस प्रकार से यह जो सेक्शन 83 है इसका स्कोप काफी बढ़ाने का यह प्रस्ताव है जब भी फाइनेंस बिल पास हो जाएगा फाइनेंस एक्ट में बदल जाएगा तब यह प्रोविजन लागू हो जाएंगे हालांकि हाल फिलहाल पुराना सेक्शन 83 ही लागू रहेगा प्रोविजनल अटैचमेंट का जो पावर दिया गया है डिपार्टमेंट को वह काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है क्योंकि अभी उस टैक्स पेयर के सामने कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं इनफैक्ट चार्जेस की सोकोस भी नहीं दी गई है और उसके पहले ही उसकी चल अचल संपत्ति को अटैच करने का यह पावर डिपार्टमेंट को दिया गया है इसलिए इस पावर को एक्सरसाइज करते समय बहुत ही सावधानी रखना डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए आवश्यक है इनमें से एक सावधानी तो लॉ के हिसाब से यही है कि यह पावर कमिश्नर को दिया गया है जो काफ़ी हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं हालांकि कई स्टेट के अंदर यह पावर डेलीगेट करके सबोर्डिनेट ऑफिसर्स को दिए गए हैं जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है यह पावर काफी सीनियर ऑफिसर्स के पास ही रहने चाहिए प्रोविजनल अटैचमेंट करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके लिए गाइडलाइंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सीज एंड कस्टम्स ने जारी की है प्रोविजनल अटैचमेंट किन परिस्थितियों में हो सकता है तो वह सेक्शन 83 में दर्शाए अनुसार एक तो कुछ सेक्शन के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो यह अभी के सेक्शन के अनुसार है जब यह सेक्शन 83 थ्री अमेंड हो जाएगा तो उसके बाद में आफ्टर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकेगा सेकंड रिक्वायरमेंट है ओपिनियन ऑफ द कमिश्नर अर्थात कमिश्नर को ऐसा लगना चाहिए कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट करना आवश्यक है यह दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने पर ही प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए वह जीएसटी रूल्स के रूल 159 में दर्शाया गया है इसके अनुसार जब कमिश्नर यह निश्चित कर लेता है कि एनी किसी भी प्रॉपर्टी को या बैंक अकाउंट को सेक्शन 83 के अंतर्गत प्रोविजनली अटैच करना है तब फॉर्म जीएसटी डीआरसी 22 के अंतर्गत उनको एक ऑर्डर इश्यू करना आवश्यक है उस अटैचमेंट ऑर्डर की कॉपी जो भी कंसर्न ऑथोरिटी है जैसे रेवेन्यू अथॉरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोई व्हीकल यदि प्रोविजनली अटैच किया हो या बैंक अकाउंट अटैच किया हो तो बैंक को इस प्रकार से उस ऑर्डर की प्रति भेजना आवश्यक है जिसमें यह बताया जाएगा कि जब तक डिपार्टमेंट से लिखित में इंस्ट्रक्शन न मिले तब तक उस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर डिपार्टमेंट का या सरकार का अधिकार रहेगा और उसे किसी भी अन्य के नाम न किया जाए जहां पर प्रोविजनली अटैच की हुई प्रॉपर्टी पेरिशेबल या हेजार्डस नेचर की है तो उसे अधिक दिन रखा नहीं जा सकता उस केस में यदि टैक्सेबल पर्सन उस प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट वैल्यू यदि जमा करवा देता है सरकार में तो वह प्रॉपर्टी को रिलीज किया जा सकता है यह प्रोविजन मुझे थोड़ा सा अटपटा इसलिए लग रहा है कि यदि वह टैक्सेबल पर्सन कैश सरकार में जमा ही करवा देना चाहता तो शायद प्रोविजनल अटैचमेंट की नौबत ही न आती लेकिन फिर भी इस रूल के हिसाब से यह एक प्रोविजन बताया गया है जहां पर पेरिशेबल और हेज़ार्डस नेचर के वस्तुओं को भी प्रोविजनली अटैच किया गया है और टैक्सेबल पर्सन वह रकम सरकार में जमा नहीं करवाता है उस केस में उन पेरिशेबल और हेजारस नेचर की वस्तुओं को डिस्पोज कर दिया जाएगा ऑक्शन के माध्यम से या जो भी माध्यम डिपार्टमेंट निश्चित करे और उस रकम में से टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी इत्यादि की रकम एडजस्ट कर दी जाएगी जिस भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है वह सात दिन के भीतर अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है और कमिश्नर पर्सनल हियरिंग अर्थात सुनवाई की अपॉर्चुनिटी देने के बाद में यदि उसे उचित लगता है तो वह प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकता है जहां पर प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद में भी कमिश्नर को ऐसा प्रतीत होता है कि अब प्रॉपर्टी को अटैच किए रखना आवश्यक नहीं है वहां पर भी वह फॉर्म जीएसटी डी आर सी ट्वेंटी थ्री जारी करके प्रोविजनल अटैचमेंट को रिलीज कर सकते हैं इस प्रकार से यह प्रोविजनल अटैचमेंट की प्रोसीजर को संक्षिप्त में समझे तो जो कमिश्नर अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं उसके रीजंस को रिकॉर्ड करना आवश्यक है वह रीजन को फाइल में लिखना चाहिए हालांकि टैक्सेबल पर्सन को वह रीज़न बताना आवश्यक नहीं है लेकिन जब मैटर कोर्ट में जाती है तब ऑनरेबल कोर्ट कई बार फाइल मंगवा कर भी देख सकती है कि जो रीजन लिखे हुए हैं वह उचित है या नहीं जब प्रोविजनल अटैचमेंट करना हो तब जीएसटी डी आर सी ट्वेंटी टू फॉर्म इश्यू करके अटैचमेंट किया जा सकता है और इसकी कॉपी जो भी ऑथोरिटी है कंसर्न उसको भेजना बहुत ही आवश्यक है तभी उन्हें पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया गया है इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस अलाउ न किया जाए एक और अन्य जो रिक्वायरमेंट है कि जो अटैचमेंट प्रोविजनल अटैचमेंट की ऑर्डर की कॉपी टैक्सेबल पर्सन को सर्व करना भी आवश्यक है क्योंकि जो मैंने आपको ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर बताया उसमें टैक्सेबल पर्सन की एक प्ली यह भी थी कि उसकी जो भी बैंक अकाउंट को प्रोविजनली अटैच किया है उनमें से कईयों के बारे में तो ऑर्डर की कॉपी भी उस टैक्सेबल पर्सन को नहीं दी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो प्रोविजनल अटैचमेंट का पावर है वह काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कह सकते हैं इसलिए इसे हर किसी केस में लागू नहीं करना चाहिए तो कौन कौन से केस में यह प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है तो सबसे पहले तो जो टेक्निकल नेचर के केसेस हैं उसमें प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं करना चाहिए जहां पर इंटरप्रिटेशन का सवाल है जहां पर कुछ क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट है कुछ सर्विसेज़ पर या गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ऐसी मैटर्स में प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि टैक्स पेयर का जेन्यून बोनाफाइड बिलीफ हो सकती है कि मुझे यह बेनिफिट मिल रहा है तो इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन के केसेस पर या टेक्निकल नेचर के केसेस जिसे हम कहते हैं उनमें प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं करना चाहिए कौन से केसेस में प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि जहां पर गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई हुआ हो विदाउट इनवॉइस अर्थात टैक्स इवेजन के इरादे से ही वह सप्लाई हुआ है इनवॉइस नहीं बनाया गया है या ईवे बिल नहीं बनाए गए हैं जहां पर इनवॉइस इश्यू किए गए हैं बिना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के जो फेक इनवॉइसिस हम जिसे कहते हैं कि विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जिसके बेस पर सामने वाले व्यक्ति को सामने वाले टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध करवाने के इरादे से ही इनवॉइसिस इशू किए गए हैं जिन केसेस में बिना सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के केवल इनवॉइसिस प्राप्त करके इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया गया हो या तो बिना इनवॉइस के ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया गया हो उन केसेस में भी प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है जिन केसेस में टैक्स पेयर ने अपने बायर के पास से तो टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन जो उसे सरकार को जमा करवाना चाहिए था वह तीन महीने तक उसने वह टैक्स यदि जमा नहीं करवाया है ड्यू डेट से तीन महीने तक तब भी प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है जिन टैक्स पेयर्स ने गलत तरीके से फ्रॉड्यूलेंटली रिफंड ले लिया है डिपार्टमेंट से या जिन्होंने अपने बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पास ऑन कर दी है लेकिन उस टैक्स का जो भुगतान सरकार को करना चाहिए वह नहीं किया है तो उन केसेस में भी प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है हालांकि जब प्रोविजनल अटैचमेंट करना हो उस समय इन केसेस के अलावा भी अन्य कई बातें ध्यान में रखने योग्य है जो टैक्स पेयर है उसकी चल अचल संपत्ति कितनी है उसके बिजनेस का नेचर कैसा है उसकी साख कैसी है क्या वह है अपना बिजनेस बंद करके या अपनी जो भी संपत्ति है उसे डिस्पोज करके दूसरे किसी के नाम करके या सेल करके वहां से चले जाने की संभावना है या नहीं है इन सब तथ्यों को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है प्रोविजनल अटैचमेंट करते समय कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है प्रोविजनली उसके बारे में यह कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है जितनी प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं उसकी कीमत लगभग जो सरकारी राजस्व बकाया है गवर्नमेंट की रेवेन्यू बकाया है उसके आसपास ही होनी चाहिए एक्सेसिव प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच नहीं करना चाहिए उदाहरण के तौर पर यदि 10 लाख रुपए का राजस्व बकाया है तो एक करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच करना उचित नहीं होगा एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है यदि एक प्रॉपर्टी से पूरा गवर्नमेंट रेवेन्यू कवर नहीं होता हो दूसरा यदि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच करनी है तो यह आवश्यक नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ में ही अटैच की जाए एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी जैसे जैसे डिपार्टमेंट के ध्यान में आए वैसे प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है केवल शर्त इतनी है सेक्शन 83 की जो कंडीशन है और रूल 159 में जो दर्शाई हुई प्रोसीजर है वो फॉलो होनी चाहिए जो भी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच करनी है वह टैक्सेबल पर्सन की ही होनी चाहिए उसी के नाम पर होनी चाहिए अन्य किसी के नाम की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाना चाहिए यहां पर खास करके यह बात कंपनीज केसेस के में ज्यादा ध्यान देने योग्य है क्योंकि कई बार डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि कंपनीज के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ड्यूज हैं वह यदि कंपनी भरपाई नहीं करती है तो डायरेक्टर की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है लेकिन वह बात सही नहीं है जिस टैक्सपेयर के अगेंस्ट में रेवेन्यू ड्यूज हो उसी पेयर के नाम पर जो प्रॉपर्टी हो उसे ही अटैच किया जा सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने में प्रायोरिटी देनी चाहिए न कि मूवेबल प्रॉपर्टी को क्योंकि इमूबल प्रॉपर्टी यदि अटैच की भी गई है तो उससे उस व्यक्ति के बिजनेस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट नहीं आती है प्रोविजनल अटैच करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसके नॉर्मल बिजनेसेस प्रभावित न हो इसलिए जहां तक संभव हो वहां तक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स इत्यादि को अटैच नहीं करना चाहिए इसीलिए पहले जो आगे बताया गया कि इमुएबल प्रॉपर्टी को अटैच करने को प्राथमिकता देनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं अटैच करना चाहिए जहां तक संभव हो यदि इमूबल प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स भी अटैच किया जा सकता है जहां पर डिपार्टमेंट ने मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की है लेकिन टैक्स पेयर उसके सामने अन्य कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उतनी ही वैल्यू की ऑफर करता है तो उस केस में मूवेबल प्रॉपर्टी को रिलीज किया जा सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट का पीरियड कितना रहेगा तो यह तो सेक्शन 83 में ही बताया गया है कि मैक्सिमम वन ईयर का पीरियड है वन ईयर से ज्यादा प्रोविजनल अटैचमेंट प्रभावी नहीं रह सकता लेकिन उसके पहले भी यदि टैक्स पेयर ऑब्जेक्शन फाइल करता है और वह ऑब्जेक्शन कमिश्नर को संतोषप्रद लगता है तो वह प्रोविजनल अटैचमेंट को लिफ्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकते हैं उसके अलावा भी प्रोविजनल अटैचमेंट करने के बाद किसी भी समय यदि कमिश्नर को ऐसा लगता है कि यह प्रोविजनल रिलीज जिन कारणों से किया गया था वह कारण अब अस्तित्व में नहीं है और अब प्रोविजनल अटैचमेंट जारी रखने की आवश्यकता नहीं है तब भी वह प्रोविजनल अटैचमेंट को लिफ्ट कर सकते हैं इस केस में फॉर्म जीएसटी डीआरसी जारी करना चाहिए जिस केस में प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया गया हो उस केस में इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन हो सके उतना शीघ्रता से निपटान करना चाहिए ताकि यदि इन्वेस्टिगेशन में या एडजुडिकेशन में यह पता चले कि उस टैक्सपेयर के सामने कोई राजस्व डिमांड नहीं बनती है तो वह प्रोविजनल अटैचमेंट को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जा सके किसी प्रॉपर्टी में यदि टैक्सपेयर का केवल शेयर है वह पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है तो उस केस में पूरी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करना चाहिए लेकिन केवल जो टैक्सपेयर का शेयर है उसी को अटैच करना चाहिए जिससे वह शेयर वो अन्य किसी को ट्रांसफर ना कर सके कुछ प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच नहीं की जा सकती वह कौन सी प्रॉपर्टी है तो जो प्रॉपर्टी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत अटैच नहीं की जा सकती सिविल कोर्ट के द्वारा वह जीएसटी के एक्ट में भी अटैच नहीं की जा सकती इस प्रकार की प्रॉपर्टी में जो रोजमर्रा का सामान है घर गृहस्थी चलाने के लिए या महिलाओं के जो ज्वेलरी है रोजिंदा उपयोग में लेने के लिए कारीगरों के औजार है किसान का या वर्कर्स के रहने का घर है इत्यादि जो चीज़ें हैं वह कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में दर्शाई हुई है उनको प्रोविजनली अटैच नहीं किया जा सकता आज के अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको और किसी जी एस रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं जय हिंद